जय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, शानदार जबरदस्त एकदम एक ऐसा टॉपिक जो सच में आपके माइंड को हिला के रख देगा और ट्रेडिंग संबंधित आपके मन में जो भी प्रस्पेक्टिव होगी, जो भी सोचने समझने की क्षमता होगी वो एकदम बदल जाएगी। दोस्तों ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन 99.99 ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन 99.9% लोग सिर्फ व्हाइट पार्ट को देखते हैं और इसके ब्लैक ट्रूथ को यानी कि हिडन एरिया को कभी देख नहीं पाते। उसका कारण यह है कि ये हिडन एरिया कभी यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे कभी रिवील नहीं होगा और इसलिए आम जनता तक वो सुपर कन्फर्मेशन नहीं पहुंच पाती है वो नॉलेज नहीं पहुंच पाता है। तो जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट ब्लैक एंड व्हाइट है और आपको सिर्फ व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखाया जाता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था, लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। अब बैलगाड़ी तो बैल खींचता है, तो जो गाड़ीवान था, जो बैलगाड़ी को चलाता था, तो जो उसका स्वामी होता था बैलगाड़ी का, वो क्या करता था, चालाकी करता था अपने बैल के साथ। वो कैसी चालाकी करता था कि वो ताजी एकदम अच्छी हरी हरी घास बैलगाड़ी से उसके डंडे की सहायता से उसके आगे लटका देता था। ठीक है, ऐसे लटका देता था। हमारे लिए एक डेढ़ फीट आगे आपने कुछ लटका दिया जाए बांध करके, तो जाहिर सी बात है कि आप खा नहीं पाओगे। तो इसी तरह उस बैल के आगे लटका दिया जाता था और वो बैल चलता था इस उम्मीद में कि यार हरी हरी घास दिख रही है और एक कदम चलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगी, एक कदम चलाएंगे हमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें स्वार्थ किसका पूरा हो रहा है? उस गाड़ी वाले का, क्योंकि वो जानता है कि ये आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये उम्मीद आपने छोड़ दी ना, तो आप उसको डेस्टिनेशन पे नहीं ले जाओगे। तो बस पूरा गेम यही ट्रेडिंग में है। जो ये हरे हरे बड़े बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं ना, इस प्रॉफिट ऐसे नहीं आते हैं, इसके पीछे सुपर कंफर्मेशन है जो यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे रिवील नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो आपको इमोशनल ट्रेड किया जा रहा है। मेरी भावना एकदम न्यूट्रल है और मैं एकदम सच के प्रोस्पेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ, तो गलत हो रहा है। गलत क्या कि जो ये ग्रीन ग्रीन हरा हरा घास है, यानी कि जो आपको ये बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखता है ना, तो वो जो विनर है, वो बिनर आपको अगर ये बोलता है कि मैं इस चीज से प्रॉफिट करता हूँ, इस चीज से प्रॉफिट करता हूँ, इस चीज से प्रॉफिट करता हूँ और आप भी कर सकते हो, तो ये सच नहीं है। क्योंकि उस बिनर के पास एक सुपर कंफर्मेशन है और उस सुपर कंफर्मेशन से ही वो प्रॉफिट करता है। लेकिन जैसे हमने बोला ना कि जैसे हमने पास्ट के अभी कुछ वीडियो डाले कि 5 मिनट कैंडल पे यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको अपना ट्रेड करके प्रॉफिट करके और सब कुछ दिखा भी सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं मुझे। लेकिन क्या होगा कि ये सच है, तो मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो ये सच नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी सुपर कंफर्मेशन। तो कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसी सुपर कंफर्म होती है जो नॉर्मल दुनिया से दूर रखी जाती है ट्रेडिंग के फील्ड में, ताकि नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रैप हो। और जैसे क्या होता है ना कि हम मच्छरदानी लगा के बैठे हैं, तो हमें तो मच्छर नहीं काटेंगे ना, लेकिन जो बाहर है उनको तो फिर आप रोक कंफर्मेशन, और इसी सुपर कंफर्मेशन पे वो डेली प्रॉफिट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम जनता है, जो वो व्यूअर है, जो वीडियो देखने वाला है, उससे एक बहुत बड़ा सच छुपाया जाता है और वो ये सच है कि भाई हम तो अपने तरीके से जानते हैं ना मुझे किस तरीके से प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम आपसे झूठ बोलते हैं कि भाई इस तरीके से मैं प्रॉफिट करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ट्रैप किया जा रहा है और आपसे एक मतलब निकाला जा रहा है। अब यहां पे आप समझदार हैं कि आपको कई तरह मतलब है और ये मतलब में जब मैंने देखा तो इसमें दो चीजें मुझे निकल गया। एक तो ये कि जो लोग इस सच को नहीं बताना चाहते हैं उसके पीछे दो साइकोलॉजिकल रीजन है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ईगो। अगर मैंने अपनी सारी बात आपको सहजता से सब कुछ बता दी, तो वो ट्रेडर ये सोचता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, हमारी जो एक साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने अपनी सारी ट्रुथ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, गुरु जो होता है ना, तो एक रामबाण इलाज जो है तो रखता है अपने पास, इसलिए वो रामबाण इलाज रखता है क्योंकि आम जनता को नॉर्मल चीजें बताते रहो, ठीक है, और उसको उसमें भरमाते रहो। लेकिन हम सच में जो करते हैं तो हमारे पास जो रामबाण इलाज है वो हम किसी को नहीं बताएंगे, तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि हम हमेशा गुरु बने रहेंगे ना, और तो कोई गुरु नहीं बन पाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आदमी को अच्छा नॉलेज बाहर आने नहीं दिया जाता है। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, प्रॉफिट और मान लीजिए ट्रेनिंग कोर्स का। जैसे मान लीजिए अच्छा नॉलेज बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसमें बहुत खर्चा लगता है ना, कई लाख रुपए लगते हैं, कई सारी चीजें लगती है, तो उस लेवल तक एक सामान्य आदमी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बस यही चीज है कि आम जनता क्यों परेशान है, रिटेल इन्वेस्टर क्यों परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। नहीं, उसको सही नॉलेज ही कभी नहीं दिया गया यार। आप तो जब उसको सही नॉलेज नहीं मिलेगा तो वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, यार मैं प्रॉफिट करता हूँ, आप मुझे देख देख करके आप सोचते हो मेरा भी कभी प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उस घास की तरह देख रहे हो, आपको प्रॉफिट करेंगे। समरी आपको समझ में आ गई, बाकी वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और लास्ट में इसका कंक्लूजन भी दूंगा। दोस्तों वीडियो को मैं पहले प्लान किया था कि इसको 2-3 पार्ट में बनाऊं, क्योंकि हो सकता है 1.5-2 घंटे का वीडियो हो, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जिसको जरूरत है ना, तो जैसे आपको अगर इस फील्ड में सफल होना ना, तो आप लाखों की ट्रेनिंग देते हो, किसी के प्लेस पे जाते हो, पेमेंट करते हो, तो कितना एफर्ट डाल करके आप थोड़ा सा
अच्छा या बुरा नॉलेज कंज्यूम कर लेते हो। तो यहाँ पे जब मैं फ्री डाल रहा हूँ तो इसमें टाइम की क्या बात है, चाहे वो नॉलेज 1 घंटा का हो चाहे 2 घंटा का हो, टाइम वर्थ होगा अगर आप पूरा वीडियो को देखोगे। और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये मैटर होना ही नहीं चाहिए। मेरा 8 घंटे का वीडियो है, अगर कॉन्टेंट में दम है तो 8 घंटे का भी लोग देखेगा, ठीक है? तो ये मैटर नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या फाइनली सोचा कि इस वीडियो को जो है तो एक ही वीडियो बनाते हैं, भले ही 1.5-2 घंटे का होगा, लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल सत्य को समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग की जर्नी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट कुछ सेकंड हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर आप समझ लीजिए, इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। हम किसी की जोखिम मुनाफा से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए इनक्रेज भी नहीं करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है ट्रेडिंग फील्ड से जुड़े लोगों को सही दिशा प्रदान करना। थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर हो गया। दूसरी चीज़ वार्निंग है जो बहुत बड़ी है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो कंटेंट जो है जीतने की कला का रिजर्व कंटेंट है। इस वीडियो के कंटेंट का डायग्राम, कंटेंट कॉपी या इसकी ऑडियो किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर अगर आप कॉपी करके कहीं पे प्रयोग कियोगे और कोई मुझे उसका लिंक भेजेगा कि सर देखिए ये आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो सीधे सीधे ये गलत बात है, ये कॉपीराइट जो हमारा लॉ है उसके खिलाफ है। ठीक है, तो फिर कोर्ट और कानून के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। और जैसे कि मैं यूपी में हूँ तो फिर मैं यहाँ पे हाई कोर्ट आपको आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज़ मैंने मेहनत की है, सीखी है, इतना अनुभव फील किया है, और उसका अगर कहीं पे मिसयूज होगा तो ये गलत बात है। इसलिए मैंने पहले ही शेयर करने से कॉपीराइट इसका ले लिया था। तो दोस्तों नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो को मैं पब्लिश करूँगा तो जिस समय जिस सेकेंड में ये यूट्यूब पर अपलोड होगा वो यूट्यूब पर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर वो ये बताएगा कि ये वीडियो इस डेट में इतने बजे इतने मिनट पे इतने सेकेंड में अपलोड हुआ। तो आप फिर ये कभी कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये आपका कंटेंट है, क्योंकि जब ये अपलोड होगा सबसे पहले मेरे, उसके बाद ही आप इसका मिसयूज़ करोगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है बस। बाकी जो मेरी भावना है इसको अच्छा से उसको यूज़ करो, देखो और इसको प्रॉफिट बनाओ। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए, और मैं वो सारे ट्रुथ आज इस वीडियो में रिवील करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूँ। आप न्यूट्रल हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, एकदम न्यूट्रल हो जाइए। मान लीजिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हमने ट्रेडिंग में मुझे कुछ नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही से समझाने वाला हूँ, ट्रेडिंग का जो ओरिजिन हुआ, मार्केट क्या है, कैसे चलती है, इसके क्या कंपोनेंट हैं, इसकी सुपर कन्फर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं एकदम स्टेप वन से ही चल रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं सिंपल समझाऊंगा ना तो आपका दिमाग ऑब्जर्व करेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो न्यू जनरेशन है, जो ये प्रॉफिट को देख के अट्रैक्ट हो रही है, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो अट्रैक्शन वाली दिख रही हैं, उनके लिए वीडियो रामबाण होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि शुरू से नहीं शुरू करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाएंगे जो मेन टॉपिक है, तो फिर आपको क्या होगा कि उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को पार्ट में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट में भी ये होगा कि थोड़ा इस पार्ट में, थोड़ा उस पार्ट में, फिर 2 दिन पार्ट, वीडियो कितना भी लंबा हो लेकिन मैं इसको एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, ताकि आप स्टार्ट करो और एकदम मुस्कुराते हुए वीडियो को देख के निकलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एकदम स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करेंगे, और ये समझाने का जो मेरा तरीका रहेगा एकदम बच्चा भी समझ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब शुरू से समझते हैं कि मार्केट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट एंड बायर एंड सेलर उपलब्ध हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा स्थान जहाँ पे प्रोडक्ट हो, बायर हो, सेलर हो, उसी को मार्केट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रूट मंडी भी हो सकती है, उसमें भी फल है, प्रोडक्ट हो गया, खरीदने वाला बेचने वाला बायर सेलर हो गया, जिस जगह पे मंडी लग रही है उस स्थान को प्लेस हो गया। इसी तरह सब्जी मंडी हो सकती है, कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, लोकल मार्केट हो सकती है। तो मतलब मार्केट का मतलब सिर्फ यही है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर खरीदने वाला बेचने वाला उपलब्ध हो। लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसमें एक चीज़ और एड ऑन हो जाती है, वो होता है हमारा एक्सचेंज। क्योंकि हम यहाँ पे बायर और सेलर डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक्सचेंज में हमको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सचेंज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक्सचेंज की अगर हम हेल्प लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी ऑर्डर एक दूसरे से एग्जीक्यूट होता है उसको नंबर ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब नंबर ऑफ ट्रेड को हम वॉल्यूम से कंसीडर करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बार खरीदा, किसी ने बेचा, किसी ने फिर खरीदा, तो ये 3 एक्टिविटी जो हुई तो इसको हम 3 वॉल्यूम से कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। तो इस डायग्राम से आपको सिंपल बस सिर्फ इतनी चीज़ें समझना है कि ये मार्केट है, मार्केट में एक एक्सचेंज है, यहाँ पे बायर सेलर होते हैं और वो एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं, ऑर्डर एक्सचेंज में जाते हैं जिसको हम नंबर ऑफ ट्रेड या वॉल्यूम से कंसीडर करते हैं। सिंपल सी इतनी बात आपको यहाँ पे समझ बात करते हैं। तो दोस्तों मार्केट के जो मेन दो कंपोनेंट हैं, मेन दो कंपोनेंट क्या हैं, बायर और सेलर, ये दो मेन कंपोनेंट है। मार्केट बेस्ड ऑन है प्राइस, यानी कि मार्केट का जो आधार है वो क्या है, कीमत। कीमत के ऊपर ही मार्केट चलती है।
बायर सेलर पार्टिसिपेंट एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, वैल्यूम, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होगी, मान लीजिए एक ने खरीदा एक ने बेचा, एक ने खरीदा एक ने बेचा, तो ये चार एक्टिविटी हुई, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यूम में क्या हम देख पाएंगे कि चार दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस चार चीज़ों पर आपको देखना है। देखिए वैल्यूम होता क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रेड होता है, ऑलरेडी हमने बता दिया। तो इस डायग्राम को बस सिंपली आपको यही चार चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। नीचे आप देख सकते हैं कि बायर सेलर और ट्रेडर को पार्टिसिपेंट कहते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट के मैकेनिज्म को चार कंपोनेंट ऑपरेट करते हैं, बायर सेलर प्राइस वैल्यूम। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड, ये कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जैसे मैंने बोला ना दो तीन दिन पहले वीडियो में बोला था कि भाई अगर ये यहाँ पे टॉप लेवल पे अगर यहाँ पे ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती है, उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ये बात मैंने बोला था ना। लेकिन फिर भी मुझे सुपर कन्फर्मेशन मिलेगी तभी शॉर्ट करूँगा ना, और आप क्या करोगे, आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे। तो इसी इमोशनल ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम अपना सच हिडन छुपा के रखें और आपसे कहते रहे कि मैं इस लॉजिक से प्रॉफिट करता हूँ, तो ये तो सरासर गलत बात हो गई ना आपके साथ। आप तो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, इमोशनल ट्रैप हो रहे हो, ठीक है। लेकिन आप सफ़र कर रहे हो, तो मैं आप सफर कर रहे हो तो इसका मतलब दो गड़बड़ियां हो रही है। एक तो जो मेरे नॉलेज से बताए कि जो चीज़ें की एक्यूरेसी है वो कभी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो एक्यूरेसी का कंफर्मेशन मैं लेता हूँ वो आपको कंफर्मेशन है नहीं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे कि यार सर प्रॉफिट कर लेते हैं हम नहीं कर पाते हैं। तो बस उसी चीज़ को मेरे को क्रिएटर ने बोला कि यार ये पेन जो है तो ये यूट्यूब से खत्म करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं टॉपिक को बता रहा हूँ। तो इसमें जो चार मेन कंपोनेंट हैं वो एक बायर है, एक सेलर है, एक प्राइस है और एक वैल्यूम है, ठीक है। इन पर ही हमें फोकस करना है, बजाय इसके कि ये ट्रेंड क्या है, पिवोट क्या है, सपोर्ट क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, गैप डाउन क्या है, गैप अप क्या है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। इट विल बी हेल्प टू ट्रेड, ये ट्रेडिंग करते समय हेल्प करती हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग का आधार नहीं है। देखिए मैंने बोला ना था कि मार्केट क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप इस व्हाइट पार्ट को देख रहे हो। ट्रेडिंग का ओरिजिन इससे नहीं हुआ है, ट्रेडिंग का ओरिजिन इससे हुआ है, ट्रेडिंग का आधार ये है। तो अगर ये सुपर कन्फर्मेशन नहीं होगी तो ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स के सहारे आप कहाँ तक ट्रेडर बनोगे। तो यही तो धोखा यूट्यूब पे हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि हम ये करके प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन उनके पास सुपर कन्फर्मेशन है। तो खैर मुद्दा ये है कि टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं कि बायर और सेलर के डीप कॉन्सेप्ट, सेलर और प्राइस के डीप कॉन्सेप्ट, प्राइस और वैल्यूम के डीप कॉन्सेप्ट, वैल्यूम और वैलिड प्राइजेक्शन। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट और भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट यूट्यूब पे आपको मिलेगा जो मैं दूर कर देता हूँ। देखिए प्राइजेक्शन क्या है, जैसे लोग प्राइजेक्शन ट्रेडिंग के दीवाने हैं, तो प्राइजेक्शन क्या मतलब है कि कीमत में मोमेंटम हुआ। मान लीजिए कोई प्राइज है और ये ऊपर भागने लगी तो उस कीमत में एक्शन को प्राइज एक्शन कहते हैं, लेकिन प्राइज एक्शन सही नहीं हो सकती क्योंकि अगर वो भागी तो क्यों हो सकता है कि वो तुरंत गिर भी तो जाएगी ना। तो ये जो एक्शन हुआ तो इस एक्शन को सही है या नहीं है ये समझने के लिए वैलिड प्राइज एक्शन समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या आपको दिखाया जा रहा है, प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं तो प्राइज एक्शन का मतलब होता है कीमत में एक्शन होना। यानी कि अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रही है, भाग रही है अचानक, तो इसका मतलब कि कीमत में एक एक्शन हुआ है और आप लपक के बाय कर लेते हैं और वहाँ के बाद में ट्रैपिंग भी हो सकती है और उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। तो क्या ये प्राइज एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग में कभी परफेक्ट बनोगे, नहीं बनोगे। आपको समझना पड़ेगा वैलिड प्राइज एक्शन। वैलिड प्राइज एक्शन क्या कहती है, वैलिड प्राइज एक्शन ये कहती है कि ये भागा तो ये सही है कि नहीं, पहले ये पता लगाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है देन गो फार बाय, अगर ये लगता है कि सही नहीं है तो यहाँ पे वेट करो। तो अगर ये वैलिड चीज़ आपको नहीं पता होगी तो वही वाला होगा ना कि आपको सिर्फ आपको वाइट वाइट पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गएंगी कि चार चीज़ों पर हम डीप स्टडी करेंगे और आपको जो सुपर कन्फर्मेशन है वो इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं, जैसे बोला ना कि बायर और सेलर के डीप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बायर है, मैंने इमोजी स्माइली बना दी अच्छी अच्छी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सेलर है, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी समझाने के लिए मैंने 100 रुपीज़ कीमत यहाँ पे रख दी। मान लीजिए कोई भी फिगर आउट यहाँ पे प्राइस का हो सकता था, वो डजंट मैटर हो सकता था, लेकिन वो डजंट मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ट्रेडर है, मान लीजिए हम अपने घर में हैं, आप अपने घर में, तो मान लीजिए कि हज़ारों सैकड़ों ट्रेडर बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी चीज़ की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है एट दैट टाइम, और ये पहले वाले ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट भागेगी, तो इसने क्या किया कि एक यहाँ पे बायर आया, पहले वाले ने अगर बाय किया तो क्या हुआ कि एक्टिविटी कितनी हुई, एक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैल्यूम की एक्टिविटी एक हुई और कीमत में क्या फ़र्क आया, मान लीजिए हम इसको अगर इसकी टिक साइज 1 रुपीज़ मान सकते हैं, तो एक बाइंग पे मान लीजिए कि 1 रुपीज़ बढ़ गया, ठीक है। दूसरा वाला ऑब्जर्व कर रहा था, दूसरे वाले को भी लगा कि यार ये भाग तो रहा, लो मैं भी बाय कर लूँ, तो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, एक बायर और आया और यहाँ पे एक्टिविटी एक बढ़ गई,
और कीमत में क्या बदलाव हुआ, 102 रुपये। ठीक है, तीसरा वाला भी अगर सोचता है कि लो मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि भागी रही है, तो फिर वही होगा प्रक्रिया कि एक यहाँ पे बायर बढ़ेगा, वॉल्यूम में एक एक्टिविटी बढ़ेगी और कीमत में भी 1 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अब रुकिए, अब मान लीजिए जरूरी थोड़ी कि हर आदमी हर समय बाय ही करेगा। पहला वाला क्या सोच रहा है यार कि मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और अब मुझे बेच देना चाहिए, तो पहले वाले ने क्या किया कि यहाँ पे एग्जिट किया। तो एग्जिट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि एक सेलिंग एक्टिविटी जनरेट हुई वैल्यू में, या फिर ये वैल्यू में एक चीज़ और ऐड हुई और प्राइस डिक्रीज हुई 1 पॉइंट, क्योंकि अगर टिक साइज 1 पॉइंट की है तो जब एक बेचेगा तो घटेगी 1 पॉइंट, तो प्राइस फिर यहाँ 2 पे आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में जो पहला वाला है वो अगर डर जाएगा और वो सोचेगा कि लो हम भी बेच दें तो प्राइस जहाँ पे गई थी वहीं पे लौट आएगी। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट है और चौथा वाला सोचता है कि चलो अच्छा मौका है हम बाय कर लेते, तो चौथा वाला बाय करेगा तो फिर ये 103 पे पहुँचेगी, पांचवा बाय करेगा, छठा बाय करेगा, सातवां बाय करेगा, तो ये जैसे जैसे एक्टिविटी होगी वैसे वैसे कीमत बढ़ेगी और यहाँ पे बायर और सेलर एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि एक टिक साइज पे अगर ये 1 रुपये बढ़ती है तो एक सेलिंग एक्टिविटी पे 1 रुपये घटेगी और जो भी एक्टिविटी होंगी उसको हम यहाँ पे वॉल्यूम से मॉनिटर करेंगे और बायर और सेलर एक्टिविटी पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हम आइडिया लगा पाएंगे, चार्ट कैसे बनता है वो समझाते हैं। क्या आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी और कीमत के साथ में किधर हो रही है। तो जैसे एक्टिविटी के अभी हम आगे बात बताएंगे, सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि मार्केट में चार्ट कैसे बनता। तो अब देखिए आपको ये पता चल गया होगा इस प्रक्रिया से मार्केट चलती है, मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो यही है। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स, सेल्स सेल से जुड़ के हमारी बॉडी बनी है। इस तरह मार्केट के जो कंपोनेंट हैं वो मार्केट की कंपोनेंट से जुड़ के ही बने हैं ना। तो अगर एक टिक साइज पे मान लीजिए क्रूड ऑयल 8,000 पे है और वो अगर एक एक्टिविटी पे 1 रुपये बढ़ता है तो एक एक्टिविटी पे 1 रुपये ही बढ़ेगा। लेकिन अब ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए कि 9 ऑर्डर 1 सेकंड में बाय के लगे और 10 ऑर्डर सेल के लगे, तो प्राइस एक ही पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बाय बाय सेल्स लॉस हो जाएगा, तो समझ में आ गई। तो इस चार्ट का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 101, 102, 103 इस तरह से कीमत बढ़ रही है तो उसके हिसाब से यहाँ एक्टिविटी हो रही है और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो अब जैसे चार्ट बनता है तो कैसे बनता, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बायर आया, ठीक है, तो एक एक्टिविटी हुई और उसके बाद एक और बायर आया तो दूसरी एक्टिविटी हुई, तीसरा बायर आया तो तीसरी एक्टिविटी हुई। अब पहला बायर अगर सेलर बन जाएगा तो चार्ट में उतना ही डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये ट्रेंड नहीं है। देखिए ये क्या है, ट्रेंड नहीं, जो रिट्रेसमेंट होता है। अब मान लीजिए कि तीसरा वाला क्या सोचा था कि ये ऊपर जाएगी, ये रिट्रेसमेंट के लिए आई तो उसने बाय किया, फिर चौथा वाला ने फिर बाय किया, फिर पांचवे वाले ने बाय किया, फिर ये जो बीच के एक दो थे ये सेलर बन गए तो फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए आई। तो मार्केट की चार्ट इसी तरह बनती है। पैरेलल एक्टिविटी एक होती है न्यूट्रल एक्टिविटी और एक होती है बाइंग एक्टिविटी, एक होती है सेलिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम चारों एक्टिविटी को समझेंगे। तो देखो चार्ट कैसे बनता है, इसी एक्टिविटी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए जब इसके आप एल्गोरिदम को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, तभी तो आपको सुपर कन्फर्मेशन मिलेगी। ऐसे कैसे मिलेगी, ये हिडन ट्रूथ, तो इसीलिए मैंने बोला था कि बाहर नहीं आ पाए। कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम चार तरह की एक्टिविटीज समझेंगे जो मार्केट में होती है। सबसे पहले हम सोचेंगे कि बाइंग एक्टिविटी क्या होती है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 6 बायर, इसके अगेंस्ट मान लीजिए कि एक लाइन खींच देता हूँ, 6 बायर 2 सेलर, 8 बायर 3 सेलर, 10 बायर और मान लीजिए कि 6 सेलर, 12 बायर या 5 सेलर। तो अब आप इस चार्ट को गौर से देखिए, तो इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है कि 6 स्टेप ये बढ़ेगी, यानी कि 6 बायर हैं और 2 सेलर हैं तो ये 2 स्टेप घटेगी। फिर 8 अगर बायर हैं तो 8 बार ये बढ़ेगी और 3 सेलर हैं तो 3 स्टेप ये घटेगी। फिर अगर 10 बायर हैं तो 10 बार बढ़ेगी, तो 6 सेलर हैं तो 6 बार गिरेगी। तो ये एक्टिविटी इस तरह से चार्ट में आप देखेंगे। लेकिन क्या है इसमें कि प्रोमिनेंट क्या है, बाइंग एक्टिविटी, यानी कि बायर ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद सेलर कम आ रहे हैं, फिर बायर ज़्यादा आ रहे हैं, फिर सेलर कम आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये ट्रेंड सेलिंग का है नहीं, क्योंकि क्या हुआ जैसे मैंने बताया ना कि जो पहला ट्रेडर है अगर उसको प्रॉफिट बुक करेगा तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई सेलर नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लॉस देता है और जो यहाँ पे इनसाइडर है वो लोगों से खरीद लेता है। ठीक है, बाय का लालच दिया, गिराया, खरीद लिया। तो जो ये पैरेलल एक्टिविटीज में आपको ट्रैप हो जाते हैं कि ये यहाँ से टर्न हो जाएगी, नहीं होगी भाई ये जो है। तो ये कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ये एक्टिविटी चल रही है सेलिंग की, नहीं चल रही है एक्टिविटी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि जो है प्रोमिनेंट एक्टिविटी जो है वो बाइंग साइड में यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे चार्ट में समझाया। अब इसका दूसरा क्या है कि सेलिंग एक्टिविटी कैसे होती है, कि मान लीजिए कि 2 बायर 8 सेलर, 1 बायर 5 सेलर, 4 बायर और 6 सेलर 6 सेलर, 7 बायर 8 सेलर। तो इस तरह से क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग 8 बार गिरेगी तो 2 स्टेप चढ़ेगी,
फिर मान लीजिए कि एक बार गिरे सॉरी पांच बार गिरेगी तो एक बार चढ़ेगी, तो चार्ट इसी तरीके से बनती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाइंग नहीं हो रहा है, कोई बायर नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो दो एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। अब आपको समझाता हूँ पैरेलल एक्टिविटी। पैरेलल एक्टिविटी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए 8 बायर 6 सेलर, 7 बायर 8 सेलर, 5 बायर 4 सेलर, 3 बायर 2 सेलर। इसमें क्या है कि बराबर एक्टिविटी हो रही है, इसी को बोलते हैं कि जब कभी कभी जब मार्केट चौपी हो जाती है, मान लीजिए कि 8 स्टेप चढ़ी तो 6 स्टेप आ गई, 7 स्टेप गई तो 8 स्टेप आ गई, फिर 7 स्टेप गई, तो इसमें क्या है, इसमें पैरेलल एक्टिविटी हो रही। तो इसमें क्या होता है, स्काल्पिंग जैसे मैं करता था पहले कि अगर मान लीजिए कि सपोर्ट पे आई, पैरेलल एक्टिविटी चल रही है चार्ट में और ऊपर रेजिस्टेंस पे गई, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ या रेजिस्टेंस यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्टिविटी अगर देखिए आप फील करना समझ गए तो आपको कॉल बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये सुपर कन्फर्मेशन का आपका काम करेगा। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्टिविटी। न्यूट्रल एक्टिविटी क्या होती है कि 2 बायर 1 सेलर, 2 बायर 1 सेलर, 1 बायर 2 सेलर, 1 बायर 1 सेलर, 2 बायर 2 सेलर। तो ये क्या चार्ट बनेगा, जैसे कंसोलिडेशन या इस तरह से चार्ट बनेगा कि दो एक्टिविटी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिसको बहुत चौपी मार्केट बोल सकते हो। तो ये है न्यूट्रल एक्टिविटी। अगर हमको न्यूट्रल एक्टिविटी दिख रही है तो हम क्यों ट्रेड लेंगे, ये बाय में जाएगा ना ये सेल में जाएगा। तो होप कि आपको अब चार तरह की एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आप बायर और सेलर को कैंडल पर्सपेक्टिव से पहले समझ लेते हैं। देखो अभी मैं आपके माइंड में माहौल तैयार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो कितना बड़ा होगा, लेकिन ये वीडियो को आप देखते जाइए बस, कि लाखों रुपया दे करके भी आपको ये नॉलेज मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं पहले समझाता हूँ कि बायर सेलर इन कैंडल आउटपुट, जैसे मैंने सबसे पहले चार बातें आपको बताई कि बायर सेलर प्राइस और वॉल्यूम। तो अभी हम बायर सेलर पे ही चल रहे हैं, अभी प्राइस पे भी आएंगे फिर आपके वॉल्यूम पे भी आएंगे, तभी तो आपको सब सुपर कन्फर्मेशन मिलेगी। तो कीमत अभी हम बायर सेलर पे चल रहे हैं, तो बायर सेलर में क्या, अभी मैं कैंडल के प्रस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, मान लीजिए कि 10 बायर आए, तो आप इस कैंडल की लेंथ को देखो तो उसके अनुपात में देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होगा कि लगभग 10 ही सेलर आए हैं, ठीक है, लगभग 9 या 10 सेलर आएंगे, मतलब बराबर एक्टिविटी हुई है, मतलब 10 बायर तो 10 सेलर लगभग, या 9 क्योंकि कैंडल की बॉडी के हिसाब से। लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 5 बायर आए होंगे बॉडी के हिसाब से, फिर 10 बायर आए, फिर 10 बायर आए, फिर 10 बायर आए, फिर मान लीजिए 10 बायर आए, लगभग मान लीजिए अब कैंडल में क्या है कि छोटा बड़ा बनता रहेगा, तो उस हिसाब से बॉडी के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर ये 10 बायर हैं तो उसके बीच में 9 सेलर आए, मान लीजिए जो एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद कंटिन्यूसली बॉडी से आइडिया लगा सकते हैं कि सेलर जो है तो है ही नहीं, क्योंकि बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट है इसमें, बॉडी से आप लगा लगाइए। अगर जब तक इस वाली किसी भी ग्रीन कैंडल की बॉडी के नीचे रेड कैंडल जाके क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक सेलिंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो ही नहीं सकती। तो आपको इस ट्रूथ को मान के चलना है, इस एरिया में कभी भी एक कैंडल बनेगी शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि ये पैरलर, क्योंकि ये प्रोमिनेंट बायर एक्टिविटी चल रही है। अब कहाँ से देखिए सेंटिमेंट बदलेंगे वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखो जो लास्ट वाला यहाँ पे कैंडल देखो, तो इसमें मान लीजिए कि 10 बायर एक्टिविटी हुई, तो इसका मतलब कि इसमें 5 सेलिंग एक्टिविटी हुई। अब उसके बाद देखिए अगेन 5 सेलिंग एक्टिविटी हुई, अब बाइंग एक्टिविटी कितनी हुई, मान लीजिए 3, बॉडी के हिसाब से फील करिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि फिर 2 सेलिंग एक्टिविटी हुई, फिर मान लीजिए 4 सेलिंग एक्टिविटी हुई। तो अब कौन सा भैया प्रोमिनेंट आपको लग रहा है इस एरिया के बाद में, देखो बाइंग एक्टिविटी 3 हुई, फिर उसके बाद में देखो प्रोमिनेंट हो गया ना इस ग्रीन कैंडल के बाद। जो मैंने टॉपिक में बोला था ना कि मैं बीच की कैंडल ग्रीन हो चाहे जो, अगर छोटी कैंडल बनेगी, ऑनिक कैंडल बनेगी, ऊपर से शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, वो बात जो मैंने बोला था उसमें वीडियो में, तो ये मेरा मतलब है कि यहाँ पे अब बायर मर चुके हैं, क्योंकि बायिंग एक्टिविटी न्यूट्रल हो चुकी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि सेलिंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, आप कैंडल का आइडिया लगाओ। यहाँ पे देखो कि ये बड़ा कैंडल मान लीजिए कि इसमें बॉडी के हिसाब से सबको कैलकुलेट करो तो इसमें कम से कम 6 सेलर होंगे, इसमें भी 6 7 8 सेलर होंगे। अब इसमें देखिए 5 बायर आए और 2 बायर आए, मान लीजिए तो 7 बायर अगर आए तो उसके पहले देखिए 12 15 सेलर थे, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बड़े बड़े सेलर आ गए। तो ये कोई एक्टिविटी क्या हो रही है, अब आपको देखिए ध्यान से फील करिए, जैसे मैंने बोला ना कि चार्ट को फील करना आपको, ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं यार, ये तो सब एक माहौल बनाया जाता है आपके दिमाग में, मेंटल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, ताकि आप उसे संघर्ष करो और उनके प्रोडक्ट बने रहो। देखो सच तो यही है ना, फिर मैं अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहां पे आप सब सब देखो भाई कि यहां पे बाइंग एक्टिविटी हो रही है, इसके पहले सेलर न्यूट्रल है, और यहां के बाद में देखो इस वाले कैंडल के बाद में कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हो रही, सेलर प्रोमिनेंट है, और उसके बाद में देखो ये सेलर फंस गया। मैं थोड़ा देखो जूम करके दिखाता हूं ताकि अभी चार्ट में जब चलेंगे तो आपको वो कंफर्मेशन होगी। देखिए ये प्रोमिनेंट एक्टिविटी को आप मॉनिटर करिए तो सेलिंग साइड हो रही थी, उसके बाद देखिए जैसे ये कैंडल ऊपर आया, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए 2 बायर थे और इस कैंडल पे मान लीजिए 4 बायर आए, अब बीच में देखिए सेलर फंस गए ना, अब सेलर कितने बचे 3, उसके बाद बायर फिर 8 आ गए,
तो यही कैंडल से प्रोमिनेंट किधर हो गया, बाइंग की तरफ प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि सेलर अब नहीं है इसमें, सीधी सीधी बात है, अब कैंडल को आइडिया देख के लगा लो। अब उसके बाद जो ये सेलर आ भी रहे हैं तो वो उसके नीचे नहीं क्लोज हो रहे हैं ना कैंडल, देखो देखो कोई भी कैंडल, तो ये सेलर यहाँ प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है 15 बायर फिर आ गए होंगे, तो उसके बाद 8 ही सेलर आए, तो जब 15 बायर आ चुके हैं तो 8 सेलर मार्केट को कैसे गिरा देंगे, बस ये बात को आपको लॉजिक को ध्यान में रखना है। तो मार्केट तब तक गिर नहीं सकती जब तक सेलिंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी ना हो, तो इस पूरे चार्ट में सेलर नहीं है, आप जोड़ के देख लो, बॉडी की कैंडल नाप करके देख लेना, ठीक है, सेलर कहाँ है इस कैंडल से, क्योंकि ये कैंडल देखिए नीचे आई, उसके बाद देखिए बायर यहाँ पे मर गए, अब बायर कितने इसमें बचे हैं 5, उसके बाद देखिए इस लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो ये है सुपर कन्फर्मेशन का एक बात, अभी मैं चल रहा हूँ आपको सिर्फ बता रहा हूँ बायर सेलर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर मुझे डोजी जैसी कैंडल मिल जाती है तो ये है सुपर कन्फर्मेशन। अब यहीं पे डोजी जैसी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होगी और यहाँ पे ही डोजी बन जाएगी तो आम जनता तो यहाँ पे ट्रेड कर लेगा ना, उसको क्या पता कि एक्टिविटी कौन सी प्रोमिनेंट है, तो ये चीज़ें होती। तो ये एक चीज़ अभी मैंने बताई, तो अभी तक हमने क्या बात की बायर सेलर के बारे में, अब आगे आपको सिखाते हैं कीमत के सिद्धांत। तो दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ट कैसे बनती है, प्रोमिनेंट एक्टिविटी क्या है, बायर चार्ट में कैसे दिखते हैं, कहाँ से टर्निंग ले लेती है, कहाँ पे बायर न्यूट्रल हो जाते हैं मर जाते हैं, कहाँ पे सेलर न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे बोला ना अर्निंग कैंडल या इस तरह के पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कीमत का सिद्धांत, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी अटेंशन कहाँ है, या तो प्रॉफिट बनाने पे है या तो आप उलझे हो टेक्निकल चीज़ों में, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है और इसी में बहुत बड़ा लोचा है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है डिमांड सप्लाई की, मान लीजिए डिमांड है सप्लाई है और ये मूल्य में बदलाव है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल हो गया भैया, 10% अगर डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य 10% बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर सप्लाई सेम रहती है तो। लेकिन अभी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, ट्रेडर को पता ही नहीं है कि मूल्य में बदलाव कितना है। मान लीजिए डिमांड 10% बढ़ती है और मूल्य में बदलाव 100% हो रहा है, तो ये जेन्युइन मूव है या नहीं आप सोचो खुद, नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा कि डिमांड कितनी है एक ट्रेडर को ये देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितनी हो रही है एक ट्रेडर को ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद प्राइस में बदलाव कितना हुआ एक ट्रेडर को ये भी देखना पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आएगा कि अगर हम ये देख पाएंगे कि डिमांड और उसकी सप्लाई और प्लस प्राइस अगर तीनों में संतुलन है, अगर तीनों में वैलिडेशन है तो फिर मार्केट मूव करेगा, अगर नहीं है तो नहीं मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा आज का जो मेन टॉपिक यही था ना कि वैलिडेशन, वैलिडेशन अभी जब आगे आपको बताएंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, तो ये क्लियर होंगी। तो प्रॉब्लम कहाँ रही, क्योंकि कितने पे हमारा फोकस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ में उलझे हुए हैं, और वो क्या है, वो है मूल्य कीमत में बदलाव। मान लीजिए कोई चीज़ भागा तो हमने खरीद लिया, अब ये हमने देखा ही नहीं कि कितने लोग की डिमांड थी उसके हिसाब से कितनी सप्लाई थी और मूल्य में कितना बदलाव होना चाहिए। भाई ये तो दिमाग में होना चाहिए ना कि भागा तो वो हम बाय कर लेंगे सिर्फ कीमत को देख करके, नहीं, क्योंकि देखो आप सीधी सी बात है कि मूल्य कैसे बढ़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कीमत कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है तो आपको क्या लगता है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, चलो इसको मैं आगे डायग्राम में समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आगे थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं। देखो जैसे डिमांड है सप्लाई है और मूल्य में बदलाव है, तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड 100% है और उसकी जो सप्लाई है वो भी 100% है, और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ कीमत हमने 500 डाल दी, तो ये एक वैलिड चीज़ हो गई कि भाई डिमांड सप्लाई बराबर कीमत इतनी है, ठीक है, तो ये एट प्रेजेंट में इतनी है, ठीक बात है। अब क्या होता है कि अगर डिमांड मान लीजिए 150% हो जाती है, सप्लाई सेम रहती है, तो मूल्य में बदलाव कितना होगा, मूल्य में बदलाव कितना होगा 50%, तो हमारी पास कीमत यहाँ कितनी होनी चाहिए 750 रुपये, दैट इज़ गुड, क्योंकि यही सही चीज़ है। अब कीमत यहाँ पे अगर 1200 रुपये है तो भी गलत है, कीमत यहाँ पे 400 रुपये है तो भी गलत है, क्योंकि कीमत से हम ट्रेडिंग का निर्धारण नहीं कर सकते, कीमत बढ़ती है उसके पीछे लोग हैं कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कीमत कैसे बढ़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ के अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ के बायर है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है उसके बायर 10 हैं और इसके बायर 100 हैं और इसके बायर 1000 हैं, ठीक है,
तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसकी कीमत हम स्टार्टिंग 100 रुपये रखते हैं तो अगर 10 बायर होंगे तो कितना लगाएंगे, 150-200 रुपये तक जाएगी। अगर इसमें 100 लोग होंगे तो ये 500-700-1000 रुपये तक जाएगी। अगर 1000 लोग होंगे तो ये 1 लाख रुपये तक ये चीज़ जा सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी हो रही है और उसके अगेंस्ट सप्लाई कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर तो आपको लोचा यहीं पर समझना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आया, कीमत उतनी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन, तभी वैलिड होगा, तभी आप ट्रेडिंग में सफल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कीमत 150% है, मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई और 50% डिक्रीज हो जाती है और कम हो जाती है, तो जो सही प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, 1000। ठीक है, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से तो मार्केट में देखेंगे। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रही है और लोग नहीं है तो ये धोखा ही है। तो नीचे मैंने इसलिए लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हो, इनसाइडर सप्लाई और जो प्राइस को मैनिपुलेशन करके धोखा देते हैं। जब डिमांड, सप्लाई और प्राइस तीनों का वैलिडेशन नहीं होगा तभी मार्केट में सबके साथ धोखा होगा। तो होप कि आप कीमत के सिद्धांत को समझ पाए होंगे। अब हम आपको बात करते हैं वैल्यूम के सिद्धांत को। ठीक है, जैसे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो यही था कि ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट हिडन ट्रूथ है। वैल्यूम के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ही मिलेगा कि भाई वैल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है तो खरीद लो, और वैल्यूम अगर बढ़ रहा है, मार्केट गिर रही है तो बेच दो। एक सिंपल सिद्धांत ही मिलेगा, लेकिन इसके पीछे का जो हिडन ट्रूथ है नहीं मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वैल्यूम मार्केट का फ्यूल है, क्योंकि मैंने बोला ना कि लोग कितने होंगे तब डिपेंड करेगा कि प्राइस कितना जाएगा। अब लोग नहीं है तो फिर प्राइस क्या है, तो धोखा ही ना। अब ये लोग क्या है, लोग का मतलब हो रहा है कि जो ऑर्डर एक्सचेंज में जा रहे हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्टिविटी क्या हो रही। भाई अगर 1000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो 1000 ऑर्डर की एक्टिविटी तो हुई, तो कीमत के सिद्धांत से हम ये पता लगा सकते हैं कि कीमत किधर बढ़ रही है और 1000 लोग किधर से आ रहे हैं। तो अगर कीमत का सिद्धांत और लोग जिधर आ रहे हैं वो दोनों चीज़ें वैलिड होंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं देखो आराम से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ा होगा छोटा होगा मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए 5 ट्रेडर थे, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ 10 ट्रेडर हैं, और उसके बाद यहाँ पे 20 ट्रेडर हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट में वो चीज़ दिखेगी ना, जब 5 ट्रेडर होंगे तो छोटे वैल्यूम होंगे, और जब 10 ट्रेडर होंगे तो बड़े वैल्यूम होंगे, अगर 20 ट्रेडर होंगे तो और ज़्यादा वैल्यूम होगा। तो वैल्यूम ये तो नहीं बताएगा कि बायर हैं या सेलर हैं, लेकिन वैल्यूम तो ये बताएगा कि कम एक्टिविटी हो रही है कि ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो वैल्यूम से हमें क्या निकालना है, सुपर कन्फर्मेशन एक्टिविटी की। मान लीजिए कि उस समय एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, जैसे इस बार को देखिए, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग कम होंगे ना, ऑर्डर कम एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे कम एग्जीक्यूट हुए, बजाय इसके यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए। तो ये मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी पे अगर हम ध्यान रखेंगे और इसके साथ कीमत का ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिविटी ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब जो ये बार है इससे ज़्यादा इसमें एक्सचेंज में ऑर्डर गए, उससे ज़्यादा ऑर्डर गए, उससे ज़्यादा ऑर्डर गए और उससे ज़्यादा ऑर्डर गए। तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे कीमत भी उसी रेशियो में बढ़ रही है, तो ये तो सही बात है ना, फिर तो हमारा सिद्धांत वैलिड है और हम इसमें आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये पता ही नहीं है कि लोग क्या हैं और कीमत बढ़ रही है, तो आप उसी व्हाइट पार्ट को देख रहे हो ना, जैसे मैंने बोला था ना कि आपके आगे वो घास टांग दी गई है। अब उस घास, हरी हरी घास को देख करके आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार मैं ही क्यों नहीं सफल बन पा रहा हूँ। लेकिन ये बात नहीं है, एक सफल ट्रेडर इस सारी चीज़ों को आसानी से जानता है, ये मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। वो हर हरकत को जानता है, तभी तो वो डेली कमा रहा है, तभी तो वो प्रॉफिटेबल है। अगर वो ये सब नहीं जानता है, आप नहीं जानते हो, तभी तो आप डेली प्रॉफिटेबल नहीं हो ना। तो ये सच को मानो और इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया कि वैल्यूम क्या करता है, एक एक्टिविटी दे देता है भाई कि ज्यादा हो रहा है कि कम। तो ये तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि लोग हैं कि नहीं है। अब कीमत से भी हम आइडिया लगाएंगे कीमत किधर जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए लोग ज्यादा हो रहे हैं और कीमत गिर रही है, तो इसका मतलब सेलर ज्यादा आ रहे हैं और मार्केट में वैलिड है सेलिंग साइड में। तो इसको थोड़ा सा आगे और समझाते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं उस सुपर कन्फर्मेशन की। जैसे अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितनी एक्टिविटी होती है, जितने लोग होते हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज वैलिड प्राइजेक्शन, जो यूट्यूब पे बोलते हैं प्राइजेक्शन,
वो सही नहीं है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको वैलिडेशन चक्रा, जिससे मिलती है वो सुपर कन्फर्मेशन जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, और यही मैं बोल रहा था कि गूगल पे, यूट्यूब पे या विकिपीडिया पे आपको नहीं मिलेगा। और एक सफल ट्रेडर, जो हर सफल ट्रेडर है वो इस बात को जानता है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि देखो, बिना इस सारी चीज़ों को समझे, बिना इसके एल्गोरिदम के समझे, बिना मैकेनिज्म के समझे, आप अगर ये मान रहे हो कॉन्स्टेंट विनर हो, तो ये फिर मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता। क्योंकि जब तक मेरी चीज़ें कम थी, तब तक मैं कॉन्टिन्यूसली सफल नहीं हो रहा था। और मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं कि मैं लगातार पिछले 1.5-2 साल से 85-95% एक्यूरेसी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अगर अपने ट्रेडिंग में ऐड नहीं करेंगे, तो आप उसी घास, जैसे मैंने शुरू बोला ना कि वो जो बैल होता है उसके आगे ऐसे घास लटका दी जाती है हरी हरी, और वो बेचारा चलता रहता है किस लालच में कि ये मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी नहीं। हर कॉन्स्टेंट विनर इन सारी चीज़ों को, डेप्थ को जानता है। और जो ये प्राइस है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, मान लीजिए मैं इस वाले बार से लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस वाले बार से लेता हूँ, दूसरा वाला जो बार है, ठीक है, दूसरा वाला बार है। तो देखिए क्या है, जो मैंने अभी सारी चीज़ें पढ़ाई ना, कीमत के सिद्धांत, बायर सेलर एक्टिविटी, उस चीज़ों को अब यहाँ पे देखिए हम चार्ट में आपको ट्रैक कराने की कोशिश करेंगे। तो 100 रुपये है, और यहाँ पे देखिए लोग, मान लीजिए कि इस बार को आइडिया लगाइए, मान लीजिए कि लोग इसमें 50 हैं, ठीक है, वॉल्यूम बार के हिसाब से। तो अब आगे क्या होता है कि ये बार इसके दोगुना बना, तो इसका मतलब कि लोग 100 हो गए इसमें, ठीक बात। क्योंकि अगर वॉल्यूम दो गुना है तो लोग 100 हुए, मतलब एक्टिविटी 100 हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, वो बात नहीं है। कीमत क्या कह रही है कि 100 से 95 हुई, तो जब लोग बढ़े, कीमत घटी, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि नीचे के साइड वैलिड हो रहा है ना। क्योंकि आप क्या देख रहे थे, कीमत घटी, नीचे लोग बढ़े घटे, वो तो आप देख नहीं रहे हो। तो कीमत गिरती है, भाग जाती है, ट्रैप होते हो, ट्रैपिंग ऊपर नीचे, ट्रैपिंग में ही लगे रहते हो। अभी मैं जो आपको रियल सिद्धांत समझा रहा हूँ, इसको देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बस सिंपली ये 100 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 50 लोग हैं, और उसके बाद डबल बार बनेगा तो यहाँ पे 100 लोग होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये 100 लोग हुए तो 5 पॉइंट प्राइस गिरी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 150 लोग आ गए, 150 एक्टिविटी हुई, और प्राइस फिर यहाँ पे 5 पॉइंट गिरी। फिर उसके बाद में ज़्यादा यहाँ पे और भी हो गई, 200 मान लीजिए कि यहाँ पे एक्टिविटी हुई, और प्राइस एकदम से 10 पॉइंट और गिर गई। फिर 250-300 एक्टिविटी हुई, और प्राइस यहाँ पे गिर गई। तो ये क्या हो रहा है, तो जो मैंने पढ़ाया ना कि वैलिडेशन, जो ये यूट्यूब पे बोलते हैं प्राइस एक्शन, वो गलत होता ना। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता, वैलिड प्राइस एक्शन होता है। तो वैलिड प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं, मतलब 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, और प्राइस उसी रेशियो में गिर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, देखो कैसे ट्रेड होगा, नहीं पहले इसको आगे और कंक्लूड करते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पे आप समझते आइए कि एक मान लीजिए मैक्सिमम बार बना, और इसके मान लीजिए 75 प्राइस आ गई, राइट। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट 73, 71, 72 डिक्रीज हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे जितनी एक्टिविटी थी, तो मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे 500 एक्टिविटी हुई, बढ़ते बढ़ते उसके बाद देखिए एक्टिविटी तो कम हो गई ना, मान लीजिए यहाँ 400 हुई, फिर 300 हुई, फिर 200 हुई, फिर 100 हुई। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट भी उसी तरह से न्यूट्रल हो गया। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सेलिंग साइड में लोग आए, काम अपना करके चुपचाप निकल गए, राइट, इनसाइडर या मतलब तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बस सेलिंग साइड में लोग आए और अपना काम करके चुपचाप निकल गए, तो बस मार्केट इसी प्रक्रिया से चलती है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जैसे न्यूट्रल एक्टिविटी मैंने पढ़ाया, न्यूट्रल एक्टिविटी ये है कि देखो इसमें ना बायर है ना इसमें सेलर है, और उसी हिसाब से कीमत में देखो क्या है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, 71-72, 75-71, तो ये वो मार्केट है। लेकिन उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे फिर से मोमेंटम हो रहा है, तो कैसे मोमेंटम स्टार्ट होगा वो हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो 75 है, 78 है, 71 है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल में चला गया, न्यूट्रल के बाद ही एक्टिविटी होगी। अब ये सोचो न्यूट्रल के बाद एक्टिविटी क्यों होगी, वो अभी दूसरी बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए 75 है, फिर 78 है, फिर 81 है, तो अब क्या है, लोग बढ़ रहे हैं और कीमत बढ़ रही है, दैट इज़ वैलिड, क्योंकि ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे लोग अगर घट रहे होते और कीमत बढ़ रही होती तो उल्टा हो गया ना, तो इसीलिए तो धोखा मिलेगा। अब यहाँ पे वैलिड हो रहा है ऊपर के साइड में कि ऑल ओवर लोग आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, उसी रेशियो में प्राइस भाग रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड बनाना कैसे सीखेंगे, या लोग घटते बढ़ते क्यों, पहले वो बताते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में जैसे मैं बोलता हूँ कि 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो 1000 लोग बैठे हुए हैं तो वो कैसे घटते बढ़ते हैं कि जब यहाँ से सेलिंग साइड में आए तो ये 1000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेडर बैठे हुए तो कुछ ना कुछ करेंगे मोमेंटम देख के। जब ये पार्टिसिपेट कर लेंगे सारे, तो यहाँ पे ये रुक ही जाएगा ना, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मार्केट हमेशा एक लिमिट तक ही गिरेगी, जहाँ तक सारे ट्रेडर पार्टिसिपेट कर लेंगे, पॉइंट बी नोटेड। अब मार्केट यहाँ पे मान लीजिए रुक जाती है, तो जब अब सेलर बचा नहीं सेल करने वाला, तो जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तो मार्केट धीरे धीरे गिरेगी और मार्केट से निकलता चला जाएगा। अब मान लीजिए सेलर आया और निकल गया, तो ये 1000 लोग फिर तो खाली बैठ गए ना,
इनके पास अब क्या काम है, क्योंकि ट्रेंड हो चुका है तो अब ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये खाली लोग यहाँ से फिर जब ट्रेंड लेंगे तभी यहाँ पे लोग आएंगे, क्योंकि लोग बाहर से इसमें नहीं आएंगे। तो इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोग खाली होंगे तभी लोग फिर बिजी होंगे। तो खाली कब होंगे, इस वाले में, मतलब कोई चीज़ आई भरी गई अब एकदम खाली हो गई इस एरिया में, अब खाली होकर जिधर भरेगी और कीमत जिधर वैलिड करेगी उधर मार्केट जाएगी। तो दैट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपको बस ये चीज़ चार्ट में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो ट्रेडिंग एकदम हलवा हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद देखो फिर वही प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि देखो एक लेवल तक बायर आएंगे तो एक लेवल तक मार्केट जाएगी, फिर वहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि जितने बायर थे सारे बिजी हो गए। अब बायर जब खाली होंगे तभी फिर कोई एक्टिविटी होगी। तो बायर खाली कब होंगे कि अब सेलिंग साइड में थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ी थोड़ी मार्केट होगी, जिसको हम बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट, यार बस वही समझो, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि कम हो गया, फिर यहाँ से बायर एक्टिविटी शुरू हुई और यहाँ से लोग आना शुरू हुए तो मार्केट भाग गई, बस ये समझो। तो क्योंकि देखो आप क्या देख रहे थे अभी तक, अब अगर मान लीजिए कि आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कीमत के सिद्धांत को, तो ये वो, तो आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आपका देख रहे थे, आप देख रहे थे सिर्फ कीमत कीमत कि भाई 92 से 85 गई और आपने 85 पर बाय कर लिया। अब पता चल लोग तो नीचे नहीं है ना, अब लोग नहीं है तो कीमत कैसे बढ़ेगी भाई, आप इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? आपको क्या लगता है हवा में मार्केट चल रही? नहीं चल रही ना। कोई भी कीमत तभी बढ़ेगी जब लोग ज़्यादा होंगे, राइट। तो फिर इस मैकेनिज्म को, इस प्रिंसिपल को डिनाई करके कैसे ट्रेडर बनोगे? तो ये चीज़ आपके दिमाग में होगी तभी सुपर कन्फर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड कहाँ बनाया जा सकता है। तो ट्रेड कहाँ बनाया जा सकता है कि जब ये 100 से 95 पे आई और ये दूसरे बार से जब तीसरा बार बढ़ा, यानी कि 100 से 2, मान लीजिए 50 से 100 लोग इसमें हुए और कीमत यहाँ 5% डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपनी चाल सेलिंग की तरफ चल दी है। अब जैसे जैसे बायर उधर आते रहेंगे, चाहे वो 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, सॉरी सेलर आते रहेंगे, वैसे गिरते रहेगी, ये बार और बड़े बन सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहीं पे जैसे ही वो चलेगी इसी स्टेप पे पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब हमको बस जिधर भागने वाली होगी, जैसे मैं स्टेटस लगाता था लोग कहते थे कि सर आप कैसे जान लेते हो क्रूड ऑयल भागने वाला भाग गया, नेचुरल गैस जानने वाली भाग गई। तो यार बिहाफ अपडेट में ऐसे बोलता था कि अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मोमेंटम स्टार्ट हुआ, बाहर आना शुरू किया, तो मैंने स्टेटस पे लगा दिया भैया नेचुरल गैस इतने चल रही भागने वाली है, और आप देखते थे कि 10-15 मिनट में वो 5-10 पॉइंट भाग जाती थी। तो इसका मतलब है कि जहाँ से वैलिडेशन स्टार्ट होगा, मान लीजिए 81 पे स्टार्ट हुआ, तो 18 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे ना, यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे ना सेकंड वाले पे, क्योंकि देखो क्या होगा कि 81 का ट्रेड लेके यहाँ, क्योंकि बायर बढ़ना शुरू हुए हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट न्यूट्रल होने वाली थी वहाँ फंस जाता है वो बेचारा, कि बायर आ चुके अब फंस गए, अब अलग से तो बायर नहीं आएंगे ना, तो मार्केट रुक जाएगी फिर। अब वो बायर जब खाली होंगे तभी मार्केट में कोई अगला मोमेंटम होगा। तो ये देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, टेक्निकल जो आप फॉलो करते हो इट इज़ सो गुड, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको एंट्री दिलाएगी, सेटअप, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, डोजी ओजी, ये तो सब। लेकिन अब मान लीजिए डोजी है और नीचे से वैलिडेशन है, इट इज़ वेरी गुड, तो ये हिडन ट्रूथ है, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अपने टॉपिक को चार्ट में A to Z क्लियर कराएंगे। जैसे अभी क्रूड ऑयल की लाइव मार्केट चल रही है, मैं इसको प्रूव करूँगा, और जैसे नेचुरल गैस अभी लाइव चल रहा है और सिल्वर लाइव चल रहा होगा, बाकी कमोडिटी लाइव चल रहा है उसको प्रूफ करेंगे, और बैंक निफ्टी बंद हो चुका है लेकिन बैंक निफ्टी को प्रूफ करेंगे, फिर सबसे इम्पोर्टेंट कॉल एंड पुट में प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपका एक एक मिनट बहुत ही वर्थ इट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बड़ा होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि देखो क्या है 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आपका मनोरंजन कर सकता हूँ, लेकिन असली कहानी अगर सीखना है तो फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ें जब आप पैसा देके सीखते हो ना तो कुछ नहीं सीखते और लाखों रुपया ले लिया जाता है और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में होते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हो कि अभी लाइव क्रूड ऑयल चल रहा है, और ये है जैसे मैंने बोला ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये है आपको एक पार्ट जो दिखाया जा रहा है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, आपको कीमत दिखाई जा रही है भाई। जैसे अभी क्रूड ऑयल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम टाइम फ्रेम में लगाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कीमत है 5 मिनट में जैसे मैंने लगाया ना, तो ये कीमत के कीमत देखो अब यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है कीमत। अब ये नीचे चल रही कीमत, यहाँ पे देखो 5 मिनट में ये गिर रही है। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट में भाग रही थी, यहाँ भाग रही थी, यहाँ पे देखो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बची, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय होंगे 5-5 मिनट आधा घंटा के भागेगी, अब देखो स्टॉप लॉस के लिए आ रही है। तो ये ट्रैपिंग ही तो है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को देख रहे हो ना, आप देख लो इसको अच्छे से, फिर मैं भी दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप इसको 15 मिनट में देख लो, ठीक है। अब 15 मिनट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी ट्रैपिंग हो सकती हो, कि यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट की कंसोलिडेशन वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि आप सिर्फ कीमत को देख रहे हो। तो भाई कीमत कीमत देख के आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसके पीछे लोग नहीं पता है, कीमत बढ़ेगी ये सही है, कीमत घटेगी कि सही है, ठीक है। तो टॉपिक को क्लियर कराते हैं, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा इसका पार्ट ब्लैक वाला यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया वैल्यूम को, तो जैसे टॉपिक को मैंने पढ़ाया ना तो उसको पहले क्लियर कराते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, तो इसको देखो कहीं से भी देख लेना, कितने भी साल का पीछे आगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो
जैसे मैंने पढ़ाया सेम वैसा मार्केट में कैसे होता है। जैसे कि क्या है कि देखो यहाँ से बढ़ना शुरू किया, कीमत बढ़ना शुरू किया, लोग आए यहाँ पे, देखो लोग एकदम न्यूट्रल हो गए, लोग चले गए, सेलिंग साइड में लोग आए, यहाँ पे मार्केट देखो गिर गई। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? अभी देखो मैंने हावरली ट्रेंड लगाया है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं इसको 15 मिनट 5 मिनट में आपको दिखाएंगे करके। तो ये मैं सबसे पहले 5 मिनट या 15 मिनट में करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखो जो मैंने पढ़ाया है वो कितना वर्थ इट है, क्योंकि देखो जैसे मार्केट यहाँ पे आई, अब उसके बाद में देखो क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रल हो गई, क्योंकि देखो जब बायर खाली होगा तभी तो वो सेलिंग साइड बिजी होगा। आप लोग ये भूल जाते हो मार्केट भागी तो आप लोग सोचते हो भागती रहेगी, तो भैया ये सोचो जो ट्रेडिंग फील्ड में नहीं है तो क्या वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, तो एक लिमिटेड ही भागेगी। अगर 1000 लोग हैं तो उतने ही स्ट्रेंथ में भागेगी जहाँ पे सारे वायर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक सफल ट्रेडर है तो वो क्या ध्यान रखता है, न्यूट्रल होने का वेट करता है, क्योंकि जब न्यूट्रल होकर जिधर जाएगी उधर ही मार्केट जाएगी, बीच में अगर वो चल रही है तो फिर वो सोचो कन्फर्म नहीं है, कभी भी जा सकती है। तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको देखो सब कहीं पे हर दिन ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पूरा पूरा हावरली यहाँ पे देख सकते हैं, और पूरा पूरा देखिए इसमें देखिए ये बायर नहीं है, जैसे एक्टिविटी भी मैंने पढ़ाई थी तो उस एक्टिविटी को भी आप देखो तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 या 4 बायर होंगे अगर उस बॉडी के हिसाब से देखो, तो इसके नीचे ब्रेक करने पर आप शॉर्ट करोगे। यही तो मेरी फेवरेट कैंडल है, ठीक है, जो मैंने बताया था ऑर्निक और कल उसके बारे में, तो कैंडल के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा। देखो ये वीडियो ऐसा नहीं कि बस यही सब कुछ है, इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी परतें बाकी हैं जो खोलूंगा, जैसे अभी सेंटीमेंट बाकी है, पुलबैक्स बाकी है, रिट्रेसमेंट बाकी है, तो वो सारी चीज़ें भी जब आएगी ना तभी तो परफेक्शन आएगा। तो इसको देखो बस आप फील करते रहो। तो देखो जहाँ जहाँ मोमेंटम हो रहा है डेली बस वही एक्टिविटी होगी, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे आप लाइव में ले चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मोमेंटम होना था, जैसे जितने भी सेलर थे आए न्यूट्रल में, फिर यहाँ से बायर आए और मार्केट चली गई, तो ये चीज़ वैलिड है, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें सही है ना, तो यहाँ पे वैलिडेशन है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं पे भाग रहा है, जैसे यहाँ पे भाग रहा है और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए उसके हिसाब से लोग ज़्यादा हैं और कीमत नहीं भाग रही है, या कीमत भाग रही है लोग ज़्यादा नहीं, तो ये जहाँ पे इनवैलिडेशन होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इनवैलिडेशन है, इनवैलिडेशन का मतलब है कि भैया ये इतनी ही प्राइस गिरी, मतलब प्राइस इतनी इतनी सी गिरी, तो ये इतने ट्रांजैक्शन किस लिए हुए भैया, जबकि इस वाले इसमें देखो पिछले वाले बार में यहाँ पे इससे थोड़े ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए लेकिन उसमें प्राइस ज़्यादा बढ़ी थी। तो इसका मतलब ये है कि इस रेड कैंडल को ग्रीन रेड कैंडल के आसपास क्लोज करना चाहिए था, दैट इज़ वैलिड। और अगर ये ग्रीन के नीचे क्लोज होता और ये बार अगर रेड बन जाता इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसमें सेल साइड में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद मोमेंटम सेलिंग साइड बन सकता था। तो ये सारी चीज़ें डीप स्क्रीनिंग कहलाती हैं। अब जैसे लाइव मार्केट चल रही, तो देखो जहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा है आपको क्लियर देख लो इसको, ठीक है, क्योंकि अब मैं दोनों पार्ट दिखा रहा हूँ, कोई हिडन ट्रूथ नहीं है और इसमें कुछ मैं छिपा नहीं रहा हूँ, मैं भी यही सब यूज़ करता हूँ। अब देखो लाइव क्रूड ऑयल चल रहा है, तो ये 5-1 घंटे में आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको जूम करता हूँ और आज का क्रूड ऑयल देखो लाइव, तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें ना कोई बायर ज़्यादा दिख रहे हैं घंटे भर में ना सेलर, और ये ओपन के आसपास गई और उसी का देखो रेजिस्टेंस बना रही है, क्योंकि ये ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही, टकरा रही, न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल होने के बाद में ये इधर चली है और इधर सेलर आए, इसलिए मार्केट गिरी है। अब इसको थोड़ा मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ तो आप भी इसको समझ पाएंगे। देखो क्या हुआ मार्केट 15 मिनट में, देखो जूम करके जैसे मैं आज की पूरी मार्केट देखूँ, तो देखो क्या होता है ना कि जहाँ पे न्यूट्रल एक्टिविटी है, जैसे सुबह मार्केट कोई खुलेगी नेचुरल गैस क्रूड ऑयल कमोडिटी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे देखो कि लोग नहीं हैं। अब लोग नहीं हैं तो इसमें क्या है कि कभी भी मोमेंटम फेंक हो सकता है। मान लीजिए कि लोग यहाँ पे 10 हैं, 10 पॉइंट बढ़ाने के लिए अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो फिर अब 20 पॉइंट बढ़ाने के लिए 200 लोग होने ही चाहिए। बस मेरे कहने का पूरे टॉपिक का प्रोस्पेक्टिव यही है, अगर ये 200 लोग हैं तो 20 पॉइंट भागना जेन्युइन है, अगर यहाँ नीचे 200 लोग नहीं है तो फेक है। अब यहाँ पे अगर इतने प्राइस भाग गया, इतने लोग नहीं है, तो ये गलत है, बस ये मैनिपुलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्टिविटी में आज कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया। अब साइकोलॉजिकल टर्म्स भी आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग वाला आप सोच सकते हो कि अगर क्लोजिंग के नीचे रही तो फिर सेलिंग प्रोमिनेंट होंगी। और ये देखिए मेरी यहाँ पे फेवरेट कैंडल है, और अब देखिए जहाँ पे जैसे कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हम उस कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आप जूम करके देखो, मान लीजिए कि ये वाली कैंडल है और मैंने बोला कि इसको ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगा, तो क्यों? क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे सेलर्स प्रोमिनेंट हो चुके हैं। अब ये ब्रेकआउट करेगा और सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो ये वैलिडेशन है, फिर मुझे अपने ट्रेड में डर क्यों लगेगा भाई? सेलर जितने बढ़ते जाएंगे मार्केट गिरती जाएगी। तो एक तो ये एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री क्या हो सकती थी, जैसे यहाँ पे ये वाली, क्योंकि देखो क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यानी कि सबको टोपी पहनाया। अब उसके बाद देखो फिर सेलर बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो बायर नहीं है, क्योंकि देखो आप इस बार को देखो इसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसमें देखो इनवैलिडेशन है। देखो इस चीज़ को थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, देखो
देखो इसमें देखो कीमत ऊपर नहीं बढ़ी है लेकिन इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो ये गलत हुआ ना कुछ, क्योंकि कीमत इसकी इस जितने भी इसमें लोग हैं इसके हिसाब से कीमत इस बार के बराबर होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं इनवैलिडेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो लोग हैं ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे बायर तो नहीं है ना, फिर अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर होती और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती तो इसका मतलब है कि बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रिटेलिंग से टैप हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके बाद में यहाँ पे मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर बैठ रहे हैं, तो देखो आप क्या देख रहे हो, आप कीमत देख रहे हो इसलिए ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो भाई इस सिद्धांत को भी देख रहा हूँ और इस कीमत को भी देख रहा हूँ और अभी जो आगे बताऊंगा सेंटिमेंट पुल बैक रिड्रेसमेंट उस सारी चीज़ों को भी देख रहा हूँ, उसके बाद ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस और इन्वायरमेंट को भी देख रहा हूँ। तो ये है सफल ट्रेडर की सही और असली बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करोगे तो आपको कोई यार ट्रेडर बनने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है मैं बोल रहा हूँ कि 85 से 95% लोग सफल हुए हैं इस फील्ड में, तो मुझे ऐसा विश्वास है इस वीडियो के देखने के बाद आप क्यों नहीं सफल होगे, क्योंकि आपके पास हिडन ट्रूथ कोई नहीं है, ठीक है। तो आप देखो लाइव गिर रही है, मैं इसको 5 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो तो अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जैसे एक्टिविटी वाली थोड़ी सी हम यहाँ पे आपको चीज़ें समझा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक्टिविटी जैसे मैंने पढ़ाया था ना, देखो हर चीज़ जो पढ़ाई तो उसका एक मतलब है। मान लीजिए कहीं से भी चार्ट ले लीजिए, जैसे ये वाला कैंडल मेरा फेवरेट है, देखो कितना मस्त है और ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास बना और यहाँ पे आप देखो ये चीज़। तो जो सफल ट्रेडर है वो यही नहीं देख रहा भैया, वो नीचे भी देख रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब सेलर प्रोमिनेंट हुए और अब वो बैठा भी रहेगा क्योंकि उसके अंदर इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बायर नहीं है। आप देखो यहाँ पे इतने ट्रांजेक्शन हुए लेकिन कीमत तो ऊपर नहीं बढ़ी ना, यहाँ पे इतने ट्रांजेक्शन हुए लेकिन कीमत देखो, तो ये जो सारी कैंडल है इसी कैंडल के नीचे तो मैं शॉर्ट करता हूँ, कहने का मतलब है। तो आपको यहाँ पे जैसे ये कैंडल छोटी सी है बैंक निफ्टी में जैसे, तो उसके बाद हम नीचे क्या देख रहे हैं कि किधर क्या हो रहा माहौल। तो यहाँ पे देखो जैसे ये कैंडल हुई, अब इसके नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे सेलर प्रोमिनेंट हो गए तो मुझे लगा कि गिरेगी। अब अच्छा इसमें भी रिस्क है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो रिस्क तो वही प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई ना, तो वो मैटर नहीं है, लेकिन आपको 80 से 90% तो सही होगा ना फिर। तो ये जैसे अभी लाइव चल रही है तो इसको देखो ट्रैक करो तो क्या लग रहा है अभी यहाँ पे, अब बताओ जैसे लाइव चल रहा है अभी तो क्या लगता है कि ये भाग जाएगी, कैसे भाग जाएगी, नहीं भागेगी ना, क्योंकि देखो बायर है नहीं, इतने बायर नहीं है कि इस मार्केट को ऊपर ले जा सके। अब एक कीमत इसके ऊपर जाए और लोग भी इससे ज़्यादा हों, फिर कीमत बढ़े फिर लोग बढ़े, तो यहाँ पे बाइंग का एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अभी तो सपोर्ट ले रहा, झांसा देके गिरा देगा, तो कीमत देख के ट्रेडर नहीं बना सकता मेरे भाई, इसलिए इस वीडियो को मैंने शेयर किया। तो अब इसको लाइव चलने दो, देखो यहाँ पे हमें तो यही लग रहा है कि क्रूड ऑयल अभी नीचे गिर रहा है और यहाँ पे देखो कोई ऐसा बायर नहीं है, बिल्कुल भी बायर नहीं है किसी भी कीमत में। लेकिन अब मैं इसको बात करता हूँ नेचुरल गैस, सिल्वर और एक दो और चीज़ों में, फिर चलते हैं बैंक निफ्टी पे, फिर चलेंगे कॉल एंड पुट पे। तो नेचुरल गैस पे दिखाते लाइव चल रही, देखो नेचुरल गैस में देखो घंटे के हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि देखो हावरली ट्रेंड हमें ये बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। नेचुरल गैस में देखो क्या हुआ, नेचुरल गैस में देखो जैसे कि ये है न्यूट्रल एक्टिविटी सुबह हो रही थी, उसके बाद देखो 5 बजे के बाद में इधर वायर एक्टिवेट हुए और मार्केट यहाँ पे गई टॉप एंड टॉप पे बांट दिया। अब देखो क्या हो रहा है कि ये गिर रहा है और इसमें देखो बायर नहीं है। अब इसके बीच में अभी मैं जब थोड़े थोड़े कैंडल लगाऊंगा तो आप देखोगे कि इतना ट्रैप करते हैं लोग, ये 15 मिनट का लगाता हूँ। अब देखो अब 15 मिनट में देखो क्या है कि मार्केट एक जैसा कभी नहीं चलती। जैसे अभी लाइव जो चल रही है तो आप देखो मैं ये एक्टिविटी की जो बात कर रहा था, तो मान लीजिए कि अगर इसको हम इस कैंडल को 20 सेलर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि ये बायर तो 2 होंगे, ये बायर भी 2 होंगे, ये बायर भी 2 होंगे, तो ये कुल मिला के इनकी संख्या अभी तक क्या हुई है, मान लो कि बॉडी के हिसाब से अगर इसको 20 मानते हैं तो बॉडी के हिसाब से ये 2, 2, 4, 2, 6 मान लीजिए 8 संख्या हुई है। तो क्या आपको लगता है ये 8 बायर आए होंगे ऐसी मुसीबत में? नहीं मेरे भाई, ये सेल में गिर चुकी है, इसका मतलब है कि ये सेलर अपना प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं और इनसाइडर आपको टोपी पहना रहे हैं, सीधी सी बात है, इसमें बायर वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो लोग जा रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, ठीक है। लोग आते कब, कि जब ये ग्रीन बार के उसके ऊपर बढ़ता, ये ग्रीन उसके ऊपर बढ़ता और कीमत का सिद्धांत हमें सही वैलिडेशन दिखाता। अब देखो ये गिरना नेचुरल है, देखो ये नेचुरल गैस गिर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल बनी है उसके बाद यहाँ पे देखो ये बाइंग जो कैंडल बनी, तो ये ट्रैपिंग हुआ है क्योंकि देखो बाइंग प्रोमिनेंट नहीं है। अगर ये कीमत इसके ऊपर आ जाती, ये बायर और ज़्यादा इसके ऊपर आ जाते तो ये ऊपर चली जाती। तो इसका मतलब है नेचुरल गैस यहीं से, मतलब इस कैंडल बनने के बाद में आपको कहीं बाइंग एक्टिविटी नहीं दिख रही है,
ये है प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप इसको सीधे सीधे जोड़ लो। मान लीजिए ये 20 सेलर हैं तो इसके पैरलर ये 8 ही, तो मान लीजिए 20 सेलर तो 8 ये बायर होंगे इसके पैरलर, और ये मान लीजिए कि 4 और 2 6 सेलर फिर हैं तो उसके पैरलर में 2 बायर और हैं। अब ये देखिए 7-8 सेलर मान लीजिए और हैं तो उसके पैरलर बायर हैं ही नहीं, तो प्रोमिनेंट एक्टिविटी क्या चल रही है सेलिंग साइड में। तो अब हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। अब ट्रेड बनाने के लिए देखिए 5 मिनट की कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट की यूज़ कर सकते हो। तो देखो 5 मिनट में क्या है, सुबह से देखो नेचुरल गैस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो न्यूट्रल एक्टिविटी चल रही थी, सुबह से तो कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में देखो ये डाउन साइड मोमेंटम गया। अगर आपकी कॉल गलत हो जाती है, मान लीजिए आपको ये लगता है कि यार ये गिर रही है और आपने अपना यहाँ पे काम कर लिया, तो भाई उस मेरा प्रिंसिपल ये बोलता है फिर उसके बाद अगर रेट बड़ा होगा और कीमत गिरेगी तभी तो हम इंतजार करेंगे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनेगी जो मेरी फेवरेट है, ये देखो ये बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करती है ये वाली कैंडल, तो समझो कि यहाँ पे मैं उल्टा अगर चल गई तो एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन ये वैलिडेशन देखो यहाँ पे इस चीज़ में, तो एक्चुअल अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो ये है वैलिड प्राइस एक्शन, क्योंकि इसमें कीमत भी दिख रही है, लोग भी आ रहे हैं, इसमें हमें खतरा नहीं है तब तक। अब देखिए यहाँ पे लोग आना बंद हो गए तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना कि लोग नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। उसके बाद में देखिए कौन सी एक्टिविटी चल रही है, देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये बायर नहीं है, जैसे मैंने बोला ना ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर सेलर प्रोमिनेंट हुए तो फिर गिर गए। तो इसके बाद में आप इस तरह से देख सकते हो, अभी भी देखो जैसे यहाँ पे देखो नेचुरल गैस में यहाँ पे थोड़ा फंसाने की कोशिश किया, लेकिन देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये बढ़ रहा, लेकिन भाई ऑल ओवर भी तो देखोगे, हम 5 मिनट में आपको दिखा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, तो ऑल ओवर ये टच करके गिर रहा है, तो हर रिट्रेसमेंट के बाद में देखो सेलर आ रहे हैं, हर रिट्रेसमेंट के बाद में सेलर आ रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन भी सीखनी पड़ेगी, सेंटीमेंट भी सीखने पड़ेंगे, पुल बैक्स भी सीखने पड़ेगा, रिट्रेसमेंट भी सीखने पड़ेगा, वैलिडेशन भी सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा, टेक्निकल और जो भी ट्रेंड वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा। यही एक सफल ट्रेडर की बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं इसमें कि आपको अभी यहाँ पे देख सकते हैं कोई जो एक्टिविटी हो रही है नेचुरल गैस जैसे भाग रही है, इसको मैं थोड़ा सा और भी जूम कर दूँ अगर 1 मिनट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट में भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो 1 मिनट में देखो अभी ये बुलिश होने वाला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्मेशन कब मिलेगी कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए और ये बॉडी क्लोज हो जाए तो इसके ऊपर यहाँ पे बाय, लेकिन हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट बेरिश है, तो ये भी टकराएगा फिर गिरेगा, तो इसलिए सेंटीमेंट बाकी चीज़ें ध्यान रखनी। लेकिन अगर वो एक कैंडल पर रिट्रेसमेंट ले रहा है एक जगह पर, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो 1 मिनट में मैंने लगाया, अब अगर मान लीजिए कहीं भी वो रिट्रेसमेंट ले रहा है और सेंटीमेंट बेरिश है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं इसके हाई को लगा करके। तो छोटे छोटे यहाँ पे स्काल्पिंग कर रहे हैं, मैं स्काल्पिंग की कोई सलाह नहीं देता हूँ आपको, अगर इसमें ट्रेड करना है तो कम से कम 15 मिनट का ट्रेड लगाओ और 5 मिनट से नीचे ट्रेड मत करो, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में ही पकड़ो। अभी देखो जैसे ये ऑनिक कैंडल बनी है, अब इस कैंडल की ही मैं बैंक निफ्टी में बात करता हूँ। अब ये कैंडल क्या डिसाइड करेगी कि अगर ये गिरेगी तो ये गिर जाएगी ना, ये गिरेगी, कंफर्म गिरेगी, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसका हायर हाई तोड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसके नीचे कंफर्मेशन मिलते ही इसके हायर हाई का स्टॉप लॉस छोटा सा ले लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि बायर नहीं है तो ये गिरेगी ना, और गिरेगी जाएगा थोड़ा और आएगा ज़्यादा, सीधी सी बात है। तो ये बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला ना, ये कैंडल का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब सिल्वर का थोड़ा दिखा देते हैं, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम सिल्वर का जल्दी से दिखा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम सिल्वर दिखा देते हैं आपको। देखिए सिल्वर अभी लाइव चल रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिल्वर में देखिए जैसे मैंने अभी आपको लगा देता हूँ जल्दी से 15 मिनट का, ठीक है। तो अब टॉपिक देखो हल्का हो गया, तो थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। तो देखो 15 मिनट में भी आप ट्रैक कर सकते हो और 1 घंटे की कन्फर्मेशन ले सकते हो। तो देखो जैसे जैसे प्राइस वैलिडेशन कहाँ पर काम कर रहा है, देखो यहाँ पे जैसे बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हुई तो उसके बाद में देखो ये सेलर नहीं है, ठीक है, तो यही मेरी फेवरेट कैंडल है। बस इसके बाद में या तो ऊपर जाएगी, इसके बाद में या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ठीक है। तो वो हम ट्रैक करते हैं वैलिडेशन से। वैलिडेशन हमें ये बताता है कि अगर हमारे खिलाफ मार्केट जाएगी तो हमें तुरंत एग्जिट करा देगी, जैसे ये फेवरेट कैंडल है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे बायर नहीं है तो इसके बाद ये लौटेगी तो सेलर को, जैसे अभी ये है तो ये बाइंग कैंडल अभी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यही देखो लाइव चल रहा है, इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो लाइव में कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। देखो ये बाइंग ट्रैपिंग है, क्योंकि आप खुद ही देखो कि इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। अगर ये यहाँ पे इतनी वैलिड होती और ये होती और उसके बाद में अगर सेलर नहीं आते फिर ये ग्रीन बनती, देन कॉल फॉर बाय, तो वो गुड होती अगर हमारा सेंटीमेंट बुलिश होता। सेंटीमेंट को भी अगेंस्ट नहीं करेंगे, अभी सेंटीमेंट बेरिश चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बायर नहीं है, यहाँ पे देखो ये बायर नहीं है, ये इनवैलिडेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे एक मोमेंटम हुआ और अगर आप ट्रैप भी हो गए हो तो वैलिडेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे बायर खत्म हो चुके, तो गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी और प्रॉफिट लंबा इसलिए बनेगा कि अगर सही चल रहा है तो भाई चलने दो ना। तो इसलिए सफल ट्रेडर देर तक बैठा रहता है और इसी टेक्निक से वो देर तक सफल ट्रेडर बैठा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ये गिर रहा है तो गिर रहा है। अब इसको 5 मिनट में थोड़ा सा देखो, तो यहाँ पे देखो जैसे 5 मिनट में है तो कहाँ पे बायर है,
अब ये जो कैंडल बोल रहा हूँ यही मेरी फेवरेट कैंडल, तो इसको देखो यहाँ पे इसके बाद में ये जाकर गिरेगी तो ये देखो मार्केट में वही एक्टिविटी हो रही है। तो अब क्या करोगे आप शार्प एंट्री ले पाओगे। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी में रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी में, और उसके बाद थोड़ा कॉल एंड पुट में दिखाएंगे इसी चीज़ को वैलिड करा के, और उसके बाद में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बैंक निफ्टी है, आज की मैं सीधे खोलता हूँ, प्रीवियस में आप चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई थी यहाँ पे 9:15 पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हुई थी इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गई है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे ये कैंडल तो मैंने बोला ना कि ये तो रिवर्सल वाली कैंडल है, तो इस पर कभी ट्रेड करना नहीं चाहिए, छोटी कैंडल ढूंढना चाहिए जैसे मैंने उसमें बताया था। तो इसमें आप देखो ट्रैक कर सकते हो, और ये देखो ऐसा नहीं कि एकदम 100% आप इसको मैच कराओ। देखो ट्रेडिंग एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग एक क्रिएटिविटी है। तो रिजिड मत हो जाना कि भाई यहाँ पे वैलिड हुआ तो सर ने कहा था उसके बाद ये ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट मत पालना। आपको बस मैं आपको रियल और सही टेक्निक बता रहा हूँ, इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इट इज इजी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बस सीधे सीधे देख लो, अगर 15 मिनट में बैंक निफ्टी बुलिश है, हर न्यूट्रल के बाद में जिधर मूवमेंट लेंगे जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट है, अब न्यूट्रल के बाद जैसे ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो ये जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे सेल करना ठीक नहीं है क्योंकि देखो ये उल्टा है, सेलर ज़्यादा से कम हो रहे हैं तो कभी भी मार्केट भाग सकती है। यहाँ पे देखिए प्राइस और ये वैलिड है तो ये रियल प्राइजेक्शन है, तो ये रियल प्राइजेक्शन है। अब इसको थोड़ा मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ 10 मिनट का या 5 मिनट का। अब देखो जैसे मैंने तो दोस्तों जैसे मैंने इसमें देखे 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, तो बैंक निफ्टी में आज ही नहीं, देखो ये चीज़ हमेशा देखो जैसे गिरती है एक्सपायरी के दिन, देखो जैसे यहाँ पे वैलिड हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो गिर रही है बैंक निफ्टी, तो जो लोग बैठे रहते हैं तो इसी कॉन्फिडेंस में बैठे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब भाई इसमें बायर तो आएंगे नहीं। तो इसी तरीके से सीधे कल की मार्केट परसों की देख लो, आज की मार्केट देख लो, जैसे आज की मार्केट में क्या हुआ, आज की मार्केट में ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक तो ये देखो थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग एक्टिविटी थी, लेकिन जैसे मिलो ना सेलिंग के ऊपर बायर ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये न्यूट्रल एक्टिविटी हो रही, देखो ये इसमें ट्रैपिंग है ऊपर नीचे जाने से पहले क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे देखो इसको देखो यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ कितनी थी। तो अगर यहाँ पे इस तरह से कोई अगर मोमेंटम हो रहा है और नीचे हमें दिख रहा है तो यहाँ पे हमें देखिए जैसे ये सेलिंग नहीं है, यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद फिर बुलिश हो गई, तो हर पुलबैक्स पे एंट्री बन सकती है अगर इसको भी हम कॉल एंड पुट में देखेंगे। लेकिन इसको 5 मिनट में दिखाता हूँ क्योंकि निफ्टी 5 मिनट में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखो ओपन हुई तो उसको आप एक एक बार अगर कंक्लूज करोगे तो आप कहीं ना कहीं उसको चीज़ को पकड़ पाओगे जहाँ कोई मोमेंटम होगा। तो हर बार क्या होगा कि ये न्यूट्रल के भाग भागेगी। अब जैसे ये कैंडल की मैं बात बोला कि अगर न्यूट्रल के बाद भागेगी तो मैंने बोला कि देखो न्यूट्रल है, अब ये बायर आ रहे हैं, कीमत भाग रही है, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हम इस पार्ट को नहीं देखेंगे तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, फिर हम बार बार गलत होते हैं और इसे संघर्ष करते हैं, फिर हमारा बुरा अनुभव होता है और हम ये मान लेते हैं कि हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई यही है कि सही ज्ञान ट्रेडर बना सकता है, किसी को भी ट्रेडर बना सकता है, लेकिन सही ज्ञान नहीं होगा तो जब ज्ञान ही नहीं होगा जिस चीज़ का तो फिर आप उस चीज़ से हमेशा संघर्ष करोगे क्योंकि उस चीज़ से आप जीत नहीं पाओगे। और जो वो घास दिख रही है तो उस घास का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इसलिए आपको अंदर तक किसी भी फील्ड में जाना पड़ेगा। तो ये 5 मिनट में लगाया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रीमियम में तो हम 1 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 मिनट में भी हम ट्रैक कर लेते हैं क्योंकि 20-20, 30-30, 40-40 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें मॉनिटर करनी है और इसी चीज़ का अभ्यास करना है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लगाइए, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाइए, और उसके बाद में इसको आप इस तरह से देखिए कि किधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ बायर सेलर प्रोमिनेंट है। अब इसमें देखिए जैसे ये सब इनवैलिडेशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए लोग ज़्यादा हैं तो कीमत क्यों नहीं बढ़ी, यहाँ पे भी देखिए सेलिंग से जैसे इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए तो कीमत क्यों नहीं बढ़ी। तो जब कीमत नहीं बढ़ रही, ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो ये गलत बात है ना, और अगर कीमत ज़्यादा बढ़ रही ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे तो ये भी गलत बात है। तो आपको दोनों कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को रिमूव करना होगा और एक नेचुरल और सेल्फ ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना होगा। तो सेल्फ नेचुरल ट्रेडिंग क्या है कि सिर्फ प्राइस को देखो और इस 4 सिद्धांत को जो हमने बताया उसको फॉलो करो, बाकी टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्योर तो बात हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको इसको कॉल एंड पुट में दिखाता हूँ क्योंकि देखो मेन मुद्दा क्या है कि आपको ऑप्शंस में करना है। तो अगर हम अपना टॉपिक ऑप्शंस में क्लियर करा पाएंगे तो आपको और अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या हो रहा है कि ऑप्शन में गिरा। तो दोस्तों हम आपको ऑप्शन में अपने टॉपिक को क्लियर कराते हैं क्योंकि देखो मेन मुद्दा क्या है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना, क्योंकि उसमें कम मार्जिन में ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि ज़्यादातर ट्रेडर अट्रैक्ट हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, तो इसलिए कॉल इनपुट कोई नॉर्मली मैं खोल लेता हूँ, मान लीजिए कि ये 200-300 वाला कोई खोल लेता हूँ जैसे इसमें इन द प्राइस खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको देखो अपने टॉपिक को थोड़ा मैं क्लियर कराता हूँ, फिर पुट में देखेंगे कॉल में देखेंगे। तो देखो इस पर मैं लगाता हूँ सीधे 5 मिनट का लगाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से देखना, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते। आज का देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो मैंने पढ़ाया ना थोड़ा सा मैं पहले बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, जैसे 15 मिनट देखो, तो 15 मिनट की एक्टिविटी आप फील करो तो मार्केट कब भागेगी, जैसे सेलर जब पूरे आ गए, जब सेलर नहीं बचेंगे
जब मान लीजिए कोई चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी तो वो लोग खाली होंगे फिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो यहाँ से ये बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कॉल ऑप्शन, तो ये 100 रुपये का देखो 277 रुपये का हो गया। लेकिन देखो मैं भी दिखा रहा हूँ तो इसको आपको इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम देख लिया, ट्रेडिंग होती है ज़्यादातर 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसको 5 मिनट में आप नोटिस करो। जैसे आज ये कहाँ पे ओपन हुआ है, सॉरी यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ आज, ठीक है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ठीक है, देखो 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ आज कॉल ऑप्शन है। अब देखो जैसे कॉल, अब मान लीजिए ये तो डिपेंड करेगा सारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि ट्रेंड क्या वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूरा इन्वायरमेंट क्या है तो उस साइड हम ट्रेड बनाएंगे। लेकिन फिर भी देखो कि यहाँ पे जैसे ये कैंडल मेरी फेवरेट है तो इसको ब्रेक करेगी तो मैंने बोला ना 3-4 कैंडल ऊपर जाएगी, अगर इसका लो ब्रेक करेगी तो 3-4 कैंडल नीचे जाएगी। तो एक तरफ आप कॉल का लगाओ और एक तरफ पुट का लगाओ, दोनों स्क्रीन लगाओ तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे ये भाग रहा तो वैलिड हुआ, यहाँ पे बायर रुक गए तो हमको पता चल गया हम निकल गए। आप सोच रहे हो कि नहीं और ऊपर जाएगी या इस तरह से ट्रैप हो गए, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बायर एक्टिवेट नहीं हुए, प्राइस फेंक भाग रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब यहाँ पे गिरने लगेगा तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो आज का पूरा मार्केट यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अब देखो हर जगह एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि फिर भी मार्केट एक जैसा नहीं चलता, ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद जैसे ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी तो उसके बाद जैसे ये फेवरेट कैंडल बनी तो उस हिसाब से मैं यहाँ से ट्रैक करता हूँ कि हाँ चलो भाई अब देखो सेलर बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे पूरा मोमेंटम का फायदा मिलेगा और हम विनर रहेंगे। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में यही बात जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, डीप स्क्रीनिंग करने की आपको ज़रूरत है। तो जैसे अभी लाइव में कहाँ पर बैंक निफ्टी बंद हुई है, इस एरिया में सफल ट्रेडर जो है तो इस एरिया में नहीं काम करेगा, वो अपॉर्चुनिस्ट होता है कुल मिला के। ऐसा नहीं कि उसको ये सारी चीज़ें पता है तो कहीं भी हम घुस जाएंगे, नहीं। तो फिर भी यहाँ पे देखो कहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको बस वेट करना होगा कि सही सेंटीमेंट, सही सपोर्ट, सही रेजिस्टेंस, सही ट्रेंड लाइन, सही ट्रेंड लाइन, सही ब्रेकआउट विद वैलिडेशन, तो वो प्राइजेक्शन सही है। क्योंकि देखो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और यहाँ पे 5 मिनट में मोमेंटम हुआ, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देख लो ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक किया और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो ये वैलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही जितनी बार वो यहाँ से ऊपर की तरफ वैलिड होगा तो यहाँ पे देखो अच्छे खासे पॉइंट बनते हैं, 40, 50, 60, 70, 100 भाग गया तो 200, 300, 300 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप कहीं भी देख सकते हो, जैसे कल का चार्ट है तो उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे भागा था, जैसे मॉर्निंग साइड में भागेगा, देखो मॉर्निंग साइड में आया, इसका लोअर लो नहीं तोड़ा, उसके बाद जब इसका हायर हाई तोड़ा और यहाँ से जैसे वैलिडेशन स्टार्ट हुआ, अब इसको जैसे मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, 15 मिनट में दिखाता हूँ, क्योंकि देखो 15 मिनट में आपको अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 15 मिनट में ये इसमें सेलर तो है नहीं, देखो एक्टिविटी ज़्यादा हुई, प्राइस नीचे नहीं आए तो यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम बाइंग कर लिए और उसके बाद देखिए मार्केट भाग गई, क्योंकि हमको नीचे दिख रहा है कि बायर हैं और इसके बाद तो हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद मैं सेल कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरी हर प्रोस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम थोड़ा सा पुट साइड में देख लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि टॉपिक अब इतना बड़ा हो गया है तो अब हो ही जाए। और मैं यहाँ पे 200 का इन द मनी भी देख लेता हूँ। देखो दोनों सब चार्ट लगाओगे साथ में बैंक निफ्टी का भी लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो पुट में क्या है, अगर कॉल में उधर बढ़ना शुरू करेगा तो सेम इसका उल्टा इधर से चलना शुरू करेगा। तो पुट में देखो बायर स्ट्रेंथ कहाँ पे टूट गई, यहाँ पे देखो, देखो बायर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नीचे जा रहा है, फेक कीमत ऊपर जा रही है। उसके बाद देखो पुट यहाँ से कन्फर्मेशन दे दिया, वही कैंडल बनती है जो मैं बोल रहा था, देखो ये वाली, ठीक है। तो इसके बाद में ये डिसाइड हो जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो बाय और नीचे जाएगा तो सेल। तो यहाँ से जब ये गिरता है तो इसका मतलब देखो ये बायर नहीं है, ये इनवैलिडेशन है, क्योंकि देखो इसमें एक्टिविटी तो ज़्यादा हुई है लेकिन ये प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि अगर 10 लोग मिलके 10 पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 1000 लोग मिलके उसको बढ़ाना ही चाहिए, यही है एकदम रियल सिद्धांत। अगर ये गलत है तो गलत है, बस ये मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट में पुट पूरी तरीके से गिरा। तो मार्केट में जो सेलर हैं, जो बड़े ऑपरेटर हैं, वो जो सेलर करते हैं उनको बहुत आसान है बैंक निफ्टी में सेलिंग। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप वैलिडेशन या इस साइड टेक्निक को फॉलो करके सेल साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि एक बार अगर वो ऊपर नहीं गई तो पता है क्या कि ये बायर उसको ले नहीं जा पाएंगे। तो नीचे से देखो ये वैलिड हो रहा है, देखो नीचे वैलिड हो रहा है, तो बस इसी सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको ये चार चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बायर सेलर एक्टिविटी को देखना होगा, और मैंने कीमत के सिद्धांत को बता दिया कि कीमत ऊपर नीचे कैसे जाएगी और कितना होना चाहिए परसेंटेज वाइज, फिर हमने आपको वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए और वैलिडेशन पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आ गई, अब मार्केट में आप कॉन्फिडेंसली कहीं पर भी आप देख सकते हो और अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब 2 मिनट में इस वीडियो में कंक्लूजन दूंगा और कुछ मैं आप लोगों से पर्सनली कहने वाला हूं, उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से, देखिए दिमाग एकदम सिंपली हर चीजों को ऑब्जर्व
करेगा, अब देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि एक हिडन ट्रूथ आप देख पाएंगे। अभी तक आप क्या देख रहे थे, प्राइस वाले कॉन्फ्लिक्ट में थे कि यार मार्केट में कीमत भाग रही है, चलो बाय कर लो, गिर रही है। अब आप ट्रैक कर पाएंगे कब भागेगी, कैसे भागेगी और उसका फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों ये तो एक बात होगी, लेकिन दूसरी एक और बात है, इस वीडियो को देखने वाले दो तरह के माइंड सेट होंगे। एक तो ये कि भाई लोगों को अप्रिसिएशन मिलेगा, मैंने ट्रेडर की लाइफ का बहुत सारा पेन खत्म कर दिया इस वीडियो को बना के, कि भाई अब उसको गलत नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बचेंगी, आगे की भी जो चीजें हैं वैलिडेशन के आगे की चीजें, पुल बैक, रिट्रेसमेंट और सेंटिमेंट को कैसे ट्रैक करें, वो चीजें भी हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि इस वीडियो को देखेंगे दो माइंड सेट, एक तो ये कि जो मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छी ठीक है सर, मुझे बहुत अच्छी चीज पता चल गई और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको ये फील हो ये वीडियो देख करके कि मैंने किसी प्रॉफिटेबल कम्युनिटी के खिलाफ ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी असली इंटेंशन क्या है। दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने चैनल के पहले ही वीडियो में क्लियर किया था कि मेरी असली भावना क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे माइंड में था, वो ये था कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, इस डोजी पे, इस हैमर पे, कहीं पे ले रहा हूँ, लेकिन हम नीचे वैलिडेशन टेक्निक को देखते हुए, सारी चीजों को सेंस करते हुए तब ट्रेड ले रहे हैं, और आपसे हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये चीज मेरे अंदर कुरेदेगी, मेरे अंदर मुझे बोलेगी कि तुम झूठ बोल रहे ना। और इससे एक सबसे बड़ा पाप क्या होगा मुझसे, कि जो सही चीज है उसको पहुंचने में आप रुके रहोगे। सबसे बड़ा पाप मुझसे ये होगा कि जो सही चीज है वहां पहुंचने में आप रुको रहोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि सर तो इस टेक्निक से आप प्रॉफिट करते हैं, तो भाई सर करते हैं तो हमें भी होगा, लेकिन सर जो चीज देखते हैं वो आप चीज नहीं देख रहे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, आप बार बार ट्रैप हो गए, तो आप सफरिंग में रहोगे। तो कहीं ना कहीं देखो दो गलती हो रही है ना, एक गलती तो ये हो रही है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं और हमारे झूठ बोलने के भाव पे आपका जीवन बर्बाद हो रहा, तो इतना बड़ा तो यार कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ले सकता ना। तो यही सारी चीजें थी कि मैंने क्रिएटर से पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इस समय, तो क्रिएटर ने बोला कि यार रिवील करो और भी जो चीजें सब बताओ, क्योंकि देखो क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता और ये मेरा संवैधानिक हक है कि मैं सच बोल सकता हूँ। भाई मैं किसी के खिलाफ या किसी के इंटेंशन से वीडियो नहीं बनाया हूँ, ये वीडियो मैं न्यूट्रल मोड में बनाया हूँ और एक सच को मैंने रिवील किया। मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, तो उसको भी मैंने न्यूट्रल मोड में बनाया था, क्योंकि जब मैंने ऊपर क्रिएटर से पूछा कि भाई मुझे इस पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो क्रिएटर ने एक जवाब दिया कि भाई अगर मान लीजिए हम इस सच से आपको दूर रखते हैं और आपसे हम ये दावा करते हैं कि हम दूसरे तरीके से प्रॉफिट करते हैं, तो बस क्या होगा, हम आपकी नजरों में महान बने रहेंगे, लेकिन खुद की नजरों में तो नहीं महान बनेंगे ना, ऊपर वाले की नजरों में महान तो नहीं बनेंगे ना। तो यार इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चीजें रिवील कर दी है और मेरी यही सच्ची भावना है। और दोस्तों एक काम और आप लोग करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद में हर एक ट्रेडिंग ग्रुप में हर एक जगह शेयर करो, ताकि ये जान है लोगों की, क्योंकि यहां से उनको एक होप मिलेगी कि यार देखो प्रॉफिट हो सकता है। और देखो मार्केट वैसे चलेगी भाई, सब लोग बाय करेंगे तो भागेगी, तो इसमें किसी के नुकसान वाली बात क्या है। ट्रेडर ऐसा नहीं कि नॉलेज रिवील होने से बनोगे, ट्रेडर ऐसा होगा जो प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, वो बनेगा, ये भी तो साथ में देखो। तो ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी कोई चीज बता दी तो जिसकी वजह से सब प्रॉफिट कमाने लगेंगे, रेशियो वही रहेगा, 90% तभी लूजर रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ आपको एक अच्छा नॉलेज मिला है। अब जो जो ये भटके हुए लोग थे, सिर्फ व्हाइट पार्ट को देख रहे थे, सिर्फ उस हरी घास को देख रहे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ अब मैं ट्रेडर बन सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, और यही क्रिएटर चाहता है, क्योंकि मैंने बोला था कि शिव पुराण में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्त्र, इसका मतलब यही है कि हम उसके द्वारा स्वयं में फील करना चाहते हैं। तो ये हैप्पीनेस, ये खुशी आपको जो शेयर करके मुझे मिलेगी, तो इस ये वो चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर करो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में, अच्छा सा कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो। अगला जो चैप्टर है वो बताएंगे। थैंक यू सो मच।